ये डॉग अभी आया है, इसको आप देखिए इसको कितना बड़ा घाव है। तो मैं तो फिलहाल फोन पे था, तो मुझे अभी अभी पता लगा, नेबर्स का हमारे फोन आया। ये देखिए, तो ये जरा सा इसको चोट लगी होगी और होते 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 ये इतनी बड़ी हो गई है, क्योंकि किसी ने कॉल नहीं किया। तो ये अभी बिंद्रेश को दिखा तो वो हमारे किसी पड़ोसी के बाथरूम में बंद कर गया, और फिर उसने फोन किया हमें, तो यहाँ जाने में थोड़ी देर हो गई शायद। वो भी उनको वो भी थोड़ा नाराज हो रहे थे कि भाई ये क्या तरीका है। पर अब एक सेकेंड बताओ, खैर इसको ये साहिल मैगट वुंड तो नहीं है, है मैगट्स दिख तो नहीं रहे, स्मेल है इसमें। मैं मैगट साहिल कह रहा है ये है तो मैगट वुंड ही, तो ये इतना बड़ा हो गया है। बाप रे, मैं इतना क्लोजअप दिखा भी नहीं सकता। तो ये स्काई है डॉग, ये इसके बारे में हमें पता है, ये हमारे यहाँ से ही ठीक होकर रिलीज हुआ है। ये एक्चुअली जहाँ पे गया है इसका लोग ध्यान रखते थे, तो अब तो ये एक बार ठीक हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि हम इसे अडॉप्ट ही कराना पड़ेगा। बिकॉज खैर अभी हाल ही में हमारे जो कुछ कुत्ते दिल्ली गए हैं, परसों गए हैं, कितने 5 डॉग्स दिल्ली गए हैं, और ये एक ये ठीक हो जाएगा तो हम मेरे ख्याल से यहीं रहेगा। बिकॉज आई डोंट नो इसको कौन से गांव में रिलीज किया था, रैत में। इसके तो वो लोग थे ना जो बांधते हैं, तो कहाँ कॉलर वॉलर तो कुछ भी नहीं है इसका। पक्का है तेरे को यही हुआ होगा? बांधते हैं वो, मैंने देखा है। बट तू तेरा गैस है ना कि कीड़े पड़ गए, छोड़ दिया होगा, या तेरे को, या तू कह रहा है कि छोड़, पता है, पता पक्की खबर नहीं है ना। साहिल कह रहा है कि इसको बांधते हैं वो जो लोग हैं, पर ये जब कीड़े पड़ गए तो छोड़ दिया, या ये भाग गए होंगे। खैर कर लो इसको अंदर। बाय द वे अमित, अमित इसका ट्रीटमेंट करेगा। अब आप देखिए 7:15 हो रहे हैं, इनकी 6:30 छुट्टी हो जाती है, पर ये हमारा जो स्टाफ है बहुत ही डेडिकेटेड है। तो जो विल दिस बी लाइक गुड, मैं आपको थोड़ा ट्रीटमेंट भी बताता रहता हूँ। तो विल दिस बी गुड विद मेलोनेक्स और डज इट नीड एन ओपिएट? I think Melanex should be okay. तो This one, it's deep, but not. हम इसका मेलोनेक्स पेन किलर लगाएंगे। मैं भी अंदर ही आ रहा हूँ, दरवाजा तो बंद करो पहले। सॉरी, अब थोड़ा लाउड हो जाएगा क्योंकि ये अंदर कुत्ते भौंकेंगे। मैं आपको इसका ट्रीटमेंट भी दिखा दूंगा, और क्योंकि काफी लोग, आप लोग ट्रीटमेंट में इंटरेस्टेड भी रहते हैं, तो मैं आपको सभी कुछ दिखा दूंगा। ये इसको कैसे मजल करेंगे, कैसे क्या होगा। अगर आप लोग थोड़े दिल के कमजोर हैं तो आप मत जाइए। अच्छा, आप नाम किस हिसाब से रखते हैं? कभी कोई नाम सजेस्ट कर देता है, कभी कोई ऑनलाइन सजेस्ट कर देता है, कभी देखते ही लगता है कि यार इसका नाम तो ये होना चाहिए। अब देखिए इसकी, इस डॉग की इतनी ज़्यादा इस समय स्मेल आ रही है कि इसके पास खड़े होना भी मुश्किल है। पर आप देखो ये लोग जो हैं ये अपना ट्रीटमेंट पूरा करेंगे। वाई स्काई, मुझे नहीं पता इसका नाम, मैंने नहीं रखा था। ओ, जो कह रही है बिकॉज नाइट स्काई ऐसा दिखता है। ये बात अभी रविंदर है, रविंदर अभी हाल ही में फार्म से एनिमल एरिया में इन्होंने ट्रांसफर ले लिया है। हमारे को एक नए डॉक्टर साहब 1 सितंबर को ज्वाइन कर रहे हैं, और हाल ही में हमारे एक पैरा बेटे हैं बॉबी जी, उन्होंने तो जॉब छोड़ दी है, और अब हम एक और पोजीशन यहाँ पे ओपन हो गई है। अगर आप लोकल हैं, हिमाचल में हैं, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और हैं इंटरेस्टेड तो आप बताइएगा। मोस्टली लेकिन क्लीनिंग पोजीशन है वो। बाय द वे मैं एक चीज़ ट्राई कर रहा हूँ, तो आप में से अगर किसी लोगों को वो आप हमारे होम पेज पे जाएंगे ना, पीपल फार्म के, नॉट होम पेज पे, पीपल फार्म के फेसबुक के होम पे जाएंगे, तो आपको इनवाइट योर फ्रेंड्स की ऑप्शन आएगी। अगर आप वो इनवाइट टू फ्रेंड्स करेंगे, ये कूद जाएगा इसमें से, तो हमारी बड़ी मदद होगी। क्या हो गया बाबा, क्या हो गया? राधा तो बहुत ही आज लेट हो गई, राधा जी जा रही हैं।
आज पार्टी है राधा आपके घर? अब शादीशुदा होने की ना ये समस्याएं हैं, थोड़े बंधन ज्यादा हो जाते हैं। है तो रविंदर भी शादीशुदा, पर ये हमारे यहाँ ही रहता है, हफ्ते में एक बार ही घर जाता है। सॉरी, अब मेन ये होगा, ये जब अब आप देखना कि ये कैसे मजल करते हैं इसको। राहुल आप आएगा आइएगा, अगर आप लोकल कांगड़ा से हैं तो आप वॉलंटियर करने की कोशिश करिए, आइए 9 बजे। एक सेकंड, ओके। अब मैं ये जो वी डोंट वांट टू पुट एनी ट्रीट्स इन द मसल, नो। अब क्योंकि ये जो है ना बहुत ज्यादा घबराया हुआ है, तो इस समय खाने में भी इंटरेस्टेड नहीं रहेगा, नहीं तो क्या करते, मसल में ट्रीट्स डाल देते। जमीत सिंह जी बिल्कुल, तो अब हम ये तो हमारा क्योंकि ये केज में है ना, तो वो चढ़ा नहीं पाया मजल। आप देखेंगे मजल पे उसने पट्टी बांधी हुई थी, अब ये रेगुलर पट्टी से इसका मुंह बांधने की कोशिश करेगा। प्लेसेंट्रिक्स जेल, भूषण जी हाँ हम प्लेसेंट्रिक्स यूज करते हैं, पर आई थिंक अभी तो पहले रेगुलर क्लीनिंग ही चलेगी। जो कह रही है प्लेसेंट्रिक्स इज ग्रेट फॉर द टॉप लेयर ऑफ स्क्रीन स्किन। एनीवे ओके, मैं ओके, अब ये बैठ गया ना, अब हो जाना चाहिए। अमन जी सेफ तो नहीं है, ये लोग खतरा ले रहे हैं इसकी मदद करने के लिए, मैं तो सिर्फ कैमरा पकड़ के यहाँ खड़ा हूँ। देखिए बांध दिया साहिल ने, दिखने में सुंदर नहीं है लड़का, देखिए दिलेर है। मैं थोड़ी देर में आंसर करता हूँ, यहाँ पे बड़ा ही आप हाथ बचा के करना। अब ये क्या है कि वैसे तो नेक की स्किन से पकड़ते हैं, इसका वूंड वहां पे है ना, तो और ज्यादा चक्कर है। चलो भाई चलो, छोड़ दो। अमन जी पट्टी तो टेम्परेली बांधनी पड़ेगी ना, उसका इलाज कैसे करेंगे, वो काट लेगा। जमीत सिंह जी एक्चुअली हमने वो ग्लव्स हमें लेने चाहिए, हमें कोई वीगन कोई ऐसे ग्लव मिले नहीं जिसमें चमड़े का प्रयोग ना हुआ हुआ हो। दक्ष जी बाहर निकाल के बांध देंगे तो इतनी देर में तो खा जाएगा वो सबको। ये लोग काफी एक्सपीरियंस्ड हैं, इन्हें पता है एग्जैक्टली कि ये क्या कर रहे हैं। ये मेलोनेक्स दे रहे हो आप? ये अमित जो है ये मेलोनेक्स दे रहा है, आईएम इंजेक्शन है। अब आईएम इंजेक्शन देते हुए ये ध्यान बड़ा देखना पड़ता है कि नर्व पे ना लग जाए, नहीं तो उसे टांग काम करना बंद कर देगी, पैरालिसिस हो सकता है, राइट?
Hey, we need a light here. These lights are kind of... We're gonna get a light on. Somebody can grab my headlamp too if they want. Power button. Go back. There we go. Thanks. How about you guys can actually see what's happening? I can hold the Osmo if you want, if you want to grab my headlamp. Yeah, that'd be great. Okay, here. Or... Jesus, you're shining it in my eye. Okay. Okay. Do you want the flashlight too, or should I take this with me? No, just leave the flashlight. Okay. Leave the flashlight here, yeah. Someone can hang on to it? Set. No. Set. Set. No, no. मेघना जी, फेंट करने का इंजेक्शन आता है जी, हम मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, जो लगा के ज़ाइलाज़ीन देते हैं. क्या नहीं है? हाँ, पर वो ज़ाइलाज़ीन तब देते हैं जब जानवर ने कुछ खाया ना हो, क्योंकि फिर वो उल्टी हो जाएगी एकदम. ये कहाँ से मिला? ये हमारे ही गांव में मिला है. क्या हुआ? ओ बाप रे. ओके, अगर आप कमजोर दिल के हैं तो अब एक सेकंड थोड़ा उधर देखिएगा, मैं आपको मैगट्स दिखाता हूँ जो इसकी स्किन में पड़े हुए हैं. स्किन में नहीं, सॉरी, वूंड में. तो ये इसको जिंदा धीरे धीरे खा रहे हैं. सॉरी. हमारी केनल का ना सोलर है सिस्टम, तो लाइटिंग यहाँ पे सोलर से होती है और वो इस समय चल नहीं रहा. सॉरी, आई डोंट नो कि हमारा फोकस क्यों हो गया है वो खराब. ओके, अगर अब आप लोगों के कोई सवाल है तो मैं जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि बस मैं कैमरा पकड़ के बैठा हुआ हूँ. हाँ, कोई मुझसे पहले भेड़ का पूछ रहा था. तो देखिए, ऊन में क्रुएल्टी है कि आप भेड़ को जब पालते हैं ऊन के लिए, एक पॉइंट पे तो वो बेकार हो जाती है ना आपके लिए, बूढ़ी हो जाती है, फिर उस समय फिर उसको काट देते हैं, तो वो वहाँ पे पार्ट इतना क्रूअल हो जाता है. और ये तो घर वाली भेड़ की बात हो रही है, जैसे हम पहाड़ों में गद्दी लोग भेड़ बकरियाँ रखते हैं, पर जो लोग फैक्ट्रियों में पाल रहे हैं तो उनकी तो कंडीशन ही बड़ी ख़राब होती है. ये जो भी दवाई देते हैं उनका साइड इफ़ेक्ट, आई एम श्योर साइड इफेक्ट्स होते होंगे, मुझे इतनी जानकारी नहीं है, आई एम नॉट अ वेटनरी डॉक्टर. हियर जो, यू कैन हैव योर ऑस्मो बैक. ओके, हाँ, अब आप वही मैं बता, सर आप किस गांव में हैं? जी, हम धनोटू में हैं, यहाँ धर्मशाला के नज़दीक एक गांव है. तो खैर, अब ये शांत हो गया. अगर आप इसके मुँह पे, जैसे इन्होंने कपड़ा नहीं रखा हुआ, अगर आप कपड़ा भी रखें उससे भी कुत्ते और ज़्यादा शांत हो जाते हैं. तो अगर ये अभी थोड़ा लड़ाई झगड़ा कर रहा होता तो इसके मुंह पे हम एक बोरी रख देते. हरप्रीत जी, थैंक यू. ऊपर ग्रेट मैं नहीं हूँ, ग्रेट ये लोग हैं. सीरियसली, हमें शुरू में बहुत साल पहले मैंने इलाज किया है कॉटन बीटाडीन लेके, मैगट्स मैंने भी निकाले हैं, बट अब यही लोग करते हैं और ये कर करके थकते भी नहीं है. मैं आपको बता रहा हूँ ना, जिनका जिनके बाथरूम में बंद किया, अभी उनका फोन आया था कि भाई आप लोग, आपका बंदा बंद कर गया कुत्ता, बाथरूम में स्मेल हो गई है. और ये लोग देखिए, इसके साथ ही बिना कोई मुंह बनाए काम कर रहे हैं. अब इनकी कल हमें एक अच्छी पार्टी करानी पड़ेगी. वैसे आज करनी थी, आज 15 अगस्त था. तो साहिल हंस रहा है, तू रो रहा है? हंस रहा है साहिल. साहिल को कहना कल ये पार्टी कराएगा, जो भी खाना पीना है. गोपाल होटल खुला हुआ आजकल, तो बस गोपाल ही चले जाना. हाँ, रविंदर को क्या स्माइल आई है इतनी बड़ी. हैं? गोपाल होटल मैं इसलिए कहता हूँ, वही एक होटल है यहाँ पे जो वेज है. सर, कैन यू ओपन अ ब्रांच? अरे सौरभ जी, हम कहीं ब्रांच नहीं खोल सकते सिवाय यहाँ के. यही वाली ब्रांच चलाने में इतनी दिक्कत हो जाती है, सही बंदे मिलना बड़ा मुश्किल होता है.
भाई इसको एनएस से करे साफ कर ले एनएस फ्रेंको तो अब अमित ने कहा है कि इस पे एनएस डालते रहो एनएस इज नॉर्मल सेलाइन तो ये जो नॉर्मल सेलाइन है ना दैट इज वेरी क्लोज इन कंसिस्टेंसी टू ह्यूमन ब्लड इज दैट एक्विड नॉट कंसिस्टेंसी सॉरी बट एनीवे लाइक इट डजंट लाइक क्लीनिंग के लिए ये स्टेराइल भी है और बॉडीज को इरिटेट नहीं होती इससे Sir, say, should they not be wearing mask while treating? Should they be wearing mask while treating? ऐसी तो कोई हम जब सर्जरी करते हैं तो मास्क पहनते हैं ऐसे ट्रीटमेंट्स के दौरान तो ये मास्क नहीं पहनते मास्क का तुम्हें इतना टाइम नहीं होता सर कि मास्क पहनने लगे ये अमित खुद जवाब देगा अमित दो जवाब है इतना टाइम नहीं होता कि मास्क पहने या फिर कुछ एनिमल इतना उसमें है तो पहले इसको ट्रीट करें बाद में देखते हैं हम अपना तो ये आपको जवाब अमित ने दे दिया त्रिनाकुरी जी इसका नाम तो ऑलरेडी है स्काई है इसका नाम ना अच्छा मैं बीच बीच में ना आपको YouTube का लिंक दिखा रहा हूं आप लोगों को दिख रहा है अगर दिख रहा है तो आप उसको ग्लव्स पहन तो रखे हैं उन्होंने शिव सिंह जी साहिल ने तो सिर्फ डॉग पकड़ा हुआ है तो वो इसलिए उसने ग्लव्स नहीं पहन रखे ना थैंक यू विवेक जी आपको भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं बाय द वे आप लोगों ने हमारा स्वतंत्रता दिवस वाला वीडियो देखा अच्छा अगर आप हमें आप कह रहे हैं ना आप हमारी हेल्प करना चाहते हैं आप ये करिए हमारा आज स्वतंत्रता दिवस वाला वीडियो हमने सुबह शेयर किया था आप उसको शेयर करिए आप उसका लिंक व्हाट्सएप पे आगे भेजिए तो हमारा मैसेज आगे जाएगा देखिए हम तो यहाँ पे ये एक 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 जानवर करके मदद करेंगे ना पर अगर आप लोग हमारा ये मैसेज आगे पहुंचाएं तो हर जगह लोग किसी ना किसी की मदद करेंगे बात सिर्फ जानवरों की नहीं है बात है कोई भी व्यक्ति जो खुद की मदद ना कर सकता हो ठीक है चाहे वो छोटा बच्चा है चाहे कोई लड़की है जिसको घर में मारा पीटा जाता है ठीक है चाहे कोई जो विकलांग व्यक्ति है जिससे जिसके साथ ज्यादती हो रही है तो आप ये हमारा मैसेज आगे पहुंचाइए प्लीज डॉग इज नॉट रिएक्टिंग नहीं ये तो अब बस जब वो एक बारी सरेंडर कर देते हैं कुछ भी ऐसा इनको सिर्फ पेन किलर दिया है लेकिन वो इतना फास्ट एक्टिंग नहीं रहता पेन किलर काइंड ऑफ जिसे कहते हैं ना एनिमल्स स्टोइक होते हैं तो वो पेन को थोड़ा डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं दे शट डाउन इस समय कोई आदमी होता मैं होता तो मैं तो इस समय मतलब चीखे मार रहा होता Because the maggots are coming out and dying, so like. Okay, you wanna just say that? Yeah. Okay, say. So, it's actually kind of a relief, also. I'm sure it hurts still, but because the maggots are so irritating when they're crawling around inside and eating, and we're killing the maggots and getting them out and kind of rubbing in the wound is almost like scratching an itch for them. So this actually probably feels a lot better than how he felt. No, can you repeat the whole thing in Hindi? Hanji. ये डॉग है ये डॉग है ये मैगेट है या वी ऑल नो दैट ओके अब ये क्या नियोस्पोरिन पाउडर है ओके ये अब जो है ना मैगेट्स इन्होंने काफी सारे निकाल दिए हैं ओए हे तो मैंने कहा नियोस्पोरिन तूने कहा हाँ ये नेगासोन पाउडर डाल रहे हैं इससे कल तक मैगेट्स मर जाएंगे तो फिर इन्हें कल फिर निकालने पड़ेंगे ये जो है ना स्कोबी ट्रीटमेंट के लिए परफेक्ट कैंडिडेट है ये एक्चुअली हमने एक एक्सपेरिमेंटल बैंडेजिंग भी ट्राई करी है और बिकॉज बैंडेजिंग का काम होता है वुंड से डेब्री को बाहर रखना भाई उसके अंदर कुछ गंद ना जाए पर अगर वो बैंडेजिंग ब्रीदेबल भी हो तो वुंड की हीलिंग ज्यादा अच्छी होती है The bottom bit, we don't have any negacent down in that pocket there. So Joe ne abhi point out kiya, but negacent we are out. Do you want me to? Can I pakad raha hai Yeah. Okay. Yeah. Can you take the light? Yeah. Okay. Sorry. Do you need anything else while I'm up? No. Ivermectin ki drops? Nahi. So negacent hamara thoda khatam ho gaya is samay. To ab Joe lene gayi hai clinic se. To ab
पूरे में डाल देंगे, कल मैगेट्स निकलेंगे। इसकी हीलिंग एक्चुअली अच्छी हो जानी चाहिए। अब जो एक जो रिस्क फैक्टर है कि अगर मैगेट्स, क्योंकि ये वूंड जो है स्पाइन के बहुत पास है, करेक्ट, मैं ठीक कह रहा हूँ, तो वो अगर कहीं मैगेट स्पाइन के पास पहुंच चुके हैं फिर ये नहीं बचेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, जो कि मुझे लग नहीं रहा हुआ होगा, नहीं हुआ होगा ना, तो ये ठीक है। क्या जो भारतीय नरेंद्र जी, अब तो भारतीय ही है क्यों? इतने टाइम से यहाँ रह रही है तो वॉट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट आर यू गिविंग? टॉमास जी, ट्रीटमेंट आपके नाम से लग रहा है और आपके क्वेश्चन से कि आपको हिंदी नहीं आती होगी, तो मैं अंग्रेजी में जवाब दूंगा। राइट नाउ वी आर डूइंग वूंड क्लीनिंग, वी आर रिमूविंग द मैगेट्स, वी आर पुटिंग सम मैगासाइट इन। राइट नाउ विच मैगा, कौन सा हम यूज करें, नेगासुन पाउडर वी आर यूजिंग, सो मैगेट्स विल डाई एंड देन वी विल पुल देम आउट वन बाय वन टुमारो। सॉरी, हिंदी से इंग्लिश में स्विच करना मेरे लिए एकदम बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। प्लीज दे पिल्स दे दीजिए, अनबिलीवेबल, मानवता को साक्षात करने वाला एकमात्र पीपल फार्म। नहीं नहीं नहीं, हम एकमात्र नहीं है, भारत में ऐसी बड़ी संस्थाएं हैं जो जानवरों की बहुत हेल्प करती हैं, बहुत इंडिविजुअल्स हैं जो हेल्प करते हैं। बस यही है, टीवी को एक्टरों से और क्रिकेटरों से फुर्सत मिले तो इनके बारे में बताए ना। ये जो हमारे अनसंग हीरोज हैं, ये लोग हैं, इनका नाम नहीं आता। इनफैक्ट पीपल फार्म में भी थोड़ी मुझे शर्म आती है, नाम मेरा आता है, काम ये लोग करते हैं। साहिल सबसे पहले से हमारे साथ काम कर रहा है, अमित ने हाल ही में ज्वाइन किया, ये हमारे को हमारे वीडियोस के माध्यम से मिला, और रविंदर को भी ज्वाइन किए हो गया साल लगभग। हाउ मच एक्सपेंसेस यू हैव इन वन मंथ? रोहन जी, हमारे एक्सपेंसेस हैं ही, मतलब मेरे ख्याल से 2 से 2.5 लाख रुपए महीना हमारा लगता होगा, सैलरीज वगैरह मिला के, दवाइयाँ हैं, खाना है, फिर कई बार थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, जैसे जानवर ज़्यादा हो जाए, भूसा खरीदना पड़ रहा है, भूसे का ट्रक जल्दी ख़त्म हो गया। हाँ, जो ये जो है ना डीमैक्स स्प्रे भी लाइए, कैन यू होल्ड द लाइट, आई वांट टू शो द डीमैक्स स्प्रे। मान लो आप, ओके, सॉरी, यहाँ मच्छर भी एक तो इतना खाते हैं ना, डोंट शाइन द लाइट डायरेक्टली ऑन इट प्लीज, थैंक्स। ओके, ये आया डीमैक्स, ये डीमैक्स स्प्रे जो है ना आपको मिल जाएगा घर के नज़दीक। तो मान लीजिए आपको ऐसा कोई कुत्ता दिखता है, कोई गाय दिखती है, आप उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, तो आप ये डीमैक्स स्प्रे मार दीजिएगा, बस उससे भी मैगेट्स मर जाएंगे। अगर आप वो भी नहीं कर पाते, जैसे डॉग अगर थोड़ा हाथ नहीं लगाने था, खाना खा लेता है, तो आप आइवरमेक्टिन का पिल उसको खिला सकते हैं। बड़े सारे लोग मुझे गाली देंगे अभी कि आइवरमेक्टिन क्यों रिकमेंड कर रहे हो, नियोमैक करके एक पिल आता है, अगर कुछ नहीं कर सकते तो वो खिला दीजिए, उससे भी मैगेट्स मर जाएंगे। हाँ जी, आप प्लीज हमें एंटीबायोटिक ग्लव अगर भेज दीजिए थॉमसन जी, या प्लीज सेंड अस द एंटीबायोटिक ग्लव्स, आर एड्रेस इज ऑन आर वेबसाइट। एंड सार्थक, थैंक्स फॉर रिस्पॉन्डिंग टू अ क्वेश्चन, दैट इज रियली रियली हेल्पफुल। ओके, अब मैं कहूंगा कि इन लोगों को अब इस समय मास्क पहना होना चाहिए था, ये नेगासुन जो डाला है पाउडर, ये सारा हवा में, पर अगर हम बना भी देंगे ना मास्क पहनना है, इन्होंने करनी वही है अपने मन की। टीनेजर्स के साथ काम करना आसान है आपको लगता है? ओए, तुम लोगों के लिए मैसेज आया, सुधीर जी ने कहा है, साहिल, अमित एंड रविंदर ब्रदर, बिग रिस्पेक्ट फॉर यू, मतलब कि भाई लोगों, तुम्हारे लिए खूब बड़ी इज्जत, भाई तो छा गए, रॉक स्टार्स हैं ये, रॉक स्टार्स, रियल लाइफ रॉक स्टार। तुम अमित क्या डाल रहे हो इस पे? ये हाईमैक्स डाल, नहीं नहीं, इंजेक्शन में क्या भरा हुआ है, हाईमैक्स, हाईमैक्स, तो ये अब हाईमैक्स लगा रहा है, हाईमैक्स से क्या है, इसको मक्खियां नहीं बैठेंगी। साहिल, मैं तेरे से एक अनरिलेटेड क्वेश्चन पूछ लूं, वो क्लिनिक वो फ्लाई वाला ऑफ कर दिया वहां पे? ओके, थैंक्स। साहिल भैया, पहले इसको गोश दो ना। हां भाई, उसके बाद अब ये इसकी पट्टी करेंगे। महेश जी, डेफिनेटली चेक आउट, आप हमारी वेबसाइट देखिए, वहाँ पे आप सपोर्ट लिंक भी है, ज्वाइन लिंक भी है, आप दोनों चेकआउट कीजिए प्लीज। रॉबिन जी, ये भी अभी आया है। हाँ जी, गजेंद्र जी, गजेंद्र जी हमारे साथ बड़े पहले से जुड़े हुए हैं, हमारे टॉप फैन हैं और खूब बढ़िया रिकमेंडेशन हमें देते हैं। अस्तित्व जी, जरूर आइएगा, आपका नाम बड़ा अच्छा है, अस्तित्व। तरुण जी, हमारे प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन पे अवेलेबल हैं,
I see a bunch of maggots without any maggots on them right there. तो जो को फिर कुछ मैगट्स दिख गए हैं और वो अब हम सॉरी फोन उल्टा हो गया जी दैट्स अ लॉट ऑफ मैगट्स तो वो भी निकाल ही देते हैं फिर इसकी पट्टी करेंगे मेरे कुत्ते ने रैट पॉइजन खा छोड़ा है टुकड़ा खा लिया है भाई साहब आप किसी वेट के पास जाइए पर अगर आप बिल्कुल ऐसी उज्जड़ जगह पे हैं जहां पे कोई वेट नहीं है तो आप उसको जली हुई ब्रेड खिला सकते हैं वो उससे क्या करेगा वो जली हुई ब्रेड से निकल जाएगा व्हाट हैपेंस व्हेन यू गिव देम एक्टिवेटेड चारकोल फॉर पॉइजनिंग इट अब्सॉर्ब्स द टॉक्सिन्स एंड देन इट गोज इन पूप या देयर पूप विल टर्न ब्लैक बट ओके तो आप एक्टिवेटेड चारकोल खिला सकते हैं वो तो घर पे होता नहीं तो आप ब्रेड को बिल्कुल जला दीजिए ना कोयला कर दीजिए लगभग और खिला दीजिए उससे वो टॉक्सिन निकल वेट वेट के पास जाइए वो बेहतर है मलिक जी थैंक यू बिलेटेड इंडिपेंडेंस डे आपको बिलेटेड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वन्ना कहा है व्हाट आर योर प्रोडक्ट्स आप अमेज़न पे पीपल फार्म की सर्च करेंगी तो सारे प्रोडक्ट्स निकल आएंगे मैं प्रोडक्ट्स नहीं देखता शिवानी जी देखती हैं ओके खैर अब मैं फिर लाइव बंद ही करता हूँ क्यों या एक्चुअली चलाते ही रहते हैं मैं आपको पूरा ही अंत तक दिखाऊंगा कैनल में छोड़ के जाएंगे सर 10-15 मिनट और टाइप्स 5-6-10 मिनट और लगेंगे देखिए अगर आप लोग मुझसे ये यहाँ पे ये अगर आप लोग जो सवाल पूछना चाहते हैं ना अपने जानवरों के बारे में देखिए हम हेल्पलाइन नहीं है ना हमारे पास इतना स्टाफ ही नहीं है इनफैक्ट इस समय जो आजकल एक वॉलेंटियर ईमेल्स का रिस्पॉन्ड कर रहा है वो भी जा रहा है एक महीने में तो फ्रेंड्स ऑफ पीपल फार्म करके ग्रुप है हमारा आप वो ज्वाइन करिए वहाँ पे सवाल पूछिए एक दूसरे की हेल्प करिए अब हमारे से लाखों लोग जुड़े हैं हम ऐसे सवालों का जवाब नहीं दे पाते पता है फिर आप लोग नाराज़ भी हो जाते हो ठीक है अमन जी चलने देते हैं जब तक आप देख रहे हैं मैं चलने दूंगा रॉबिन द टीम नीड समथिंग आदित्य जी इन्हें चाहिए कि भाई वो बाइट वाले ग्लव्स व्हिच आर व्हाट आर द ग्लव्स व्हाट आर दे कॉल्ड इन इंग्लिश डोंट बाइट मी ग्लव्स बाइट गार्ड ग्लव इन्हें चाहिए देयर इज वन थिंग दैट मोस्ट ऑफ देम आर मेड फ्रॉम लेदर देयर आर अ फ्यू ब्रांड्स दैट डोंट दो सो व्हाई डिडंट वी एवर गेट देम आई थिंक दे वर एक्सपेंसिव एंड वी ओनली फाउंड देम इन यूएस बट इफ समवन हैज देम हियर एंड देयर लेदर अगर आपको वीगन मिल जाए ना ग्लव बिना लेदर वाले तो वो हमें डेफिनेटली चाहिए बाकी इनको कोई ऐसी दवाई चाहिए जिससे मेरी बात सुनना शुरू कर दें ठीक है जयमीत सिंह जी बंद नहीं कर रहा चल रहा है ज्योति जी धरती का नहीं मनीष जी ज्योति जी मुझे नहीं पता प्लीज रिप्लाई मी टू व्हाट आप सवाल द्वारा भेजिए ना मनीष जी धरती जो है अभी नहीं है ठीक और लग भी नहीं रही कि वो ठीक होगी हमने उसका प्रेगनेंसी वाला टेस्ट किया तो पता तो नहीं लगा वो प्रेग्नेंट तो नहीं थी जो कैन यू मेक द लाइट वाइडर ओके थैंक यू दिस इज एट मैक्स ओके सो ओके या थैंक्स सो धरती जो है प्रेग्नेंट तो नहीं है हमने चेक किया फिर भी हमने उसको बाय चांस के लिए हमने एक वो दे दी थी एंटी प्रेगनेंसी का इंजेक्शन नॉट एंटी प्रेगनेंसी सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ एबॉर्शन का बट ऐसा कुछ हुआ नहीं बट वो वज़न बिल्कुल भी नहीं लेती जब हम खड़ा करते हैं उसको थोड़ी देर लेती है खुद से तो उठती नहीं हॉइस्ट पे भी जब वो वज़न लेती है तो थोड़ी देर बाद छोड़ देती है तो ऑनेस्टली स्पीकिंग नॉट लुकिंग गुड राहुल राय जी peoplefarm.org/HHA करके एक हमारा लिंक है उस पर आप जाएंगे ना तो आपको वो दिखेगा अपना पिन कोड एंटर करने का एक फील्ड दिखेगा वहाँ पे लोकल जो आपके लोग होंगे उनका ग्रुप निकल आएगा उसे ज्वाइन करिए एक नहीं सागर जी हमारे तो 300 से ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप हैं हर एरिया का अलग आप ज्वाइन करिए वो ग्रुप अच्छा मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा जो आप लोग हमसे कई बार आप हेल्प की उम्मीद रखते हैं ना
देखिए वो मुझे ना थोड़ी सी नाजायज लगती है। भाई आप लोकल एरिया में तो हम रेस्क्यू कर सकते हैं ना, पर अगर आप दूर हैं तो आप लोकल किसी अपने वेट की हेल्प लीजिए ना, बिकॉज जब आप हमारी रेस्क्यू लाइन पे फोन करते हैं तो आप हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज है ना उस पर थोड़ा स्ट्रेन ऐड करते हैं। तो प्लीज वो बात समझिए, हमारा एक जो फेसबुक ग्रुप है वो ज्वाइन करिए, फ्रेंड्स ऑफ पीपल फॉर्म, वहाँ पूछिए, आपके सवाल का कोई जवाब देगा तो आने वाले कोई भाई हैं उनको भी या बहन उनको भी एक उत्तर रेडी मिल जाएगा ना। शिवांगी जी आपसे तो मेरी बातचीत होती रहती है, अगर डॉग आप फिर भी मैं ये कहूँगा आप उसका फोटो वीडियो लेके आप वहाँ डालिए जो सॉरी या देन आई विल कम ऑन दिस साइड, आप फोटो वीडियो लाके उसका फ्रेंड्स ऑफ पीपल फार्म पे डालिए, शायद आपको कोई कुछ रिकमेंड करे, हो सकता है स्प्रेन हो सकता है आपको एक्सरे के लिए ले जाना पड़े। शशिकांत जी आपने ठीक कहा, वो पहले से बेटर फील कर रहा है, वो रिलीव फील कर रहा है, प्लस उसको इतना भी समझ में आ गया कि भाई मेरी मदद हो रही है। अनिरुद्ध जी हमारा टेलीग्राम पे है, आप टेलीग्राम पे पीपल फार्म की सर्च करिए, बड़ी एक्टिव हमारी कम्युनिटी है वहां पे सर। हाँ हम वहां पे जवाब नहीं देंगे आपको, लोग आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे वही हम चाहते हैं। आई हैव आस्क्ड द बाइट गार्ड ग्लव्स विल बी अवेलेबल बाय नेक्स्ट वीक एंड विल सेंड इट, प्लीज मेंशन द क्वांटिटी। आदित्य जी, आदित्य थैंक्स अ टन, हाउ मच लाइक वी नीड टू, हाँ टू पेयर्स, आदित्य जी टू पेयर्स विल बी ग्रेट। मेरे ख्याल से अंधेरा हो गया है ना तो हमारी लाइव जो है वो हो गई है, जहां पे 1500-1600 लोग देख रहे थे अब लाइक बस 1000 के करीब ही देख रहे हैं। गौरी जी मध्य प्रदेश में हैं ग्रुप्स, कोई ओटी रूम है, ओटी रूम तो है, हम इसको ओटी रूम में क्यों नहीं ले गए, हाँ वहां पे क्योंकि केज था तो थोड़ा चक्कर पड़ता और वहां पे इस समय पपीज है, क्योंकि देखिए क्लिनिक तो 6:30 बंद हो गया था, ये तो आफ्टर आवर्स काम चल रहा है। पर पता है हम इसको कहाँ ले जा सकते थे, जो अब वहां से जो क्यू कैनल्स थे हमारे, क्यू कैनल से तो डॉग्स हट गए हैं ना। अब किस चीज का इंजेक्शन है, एंटीबायोटिक, अब इसको एंटीबायोटिक दिया गया, कौन सा एंटीबायोटिक, एमोक्सिसिलिन। सेंड फोर, आदित्य दैट वुड बी अ लिटिल टू मच, ही सेइंग दे विल सेंड फोर पेयर्स, डू वी नीड फोर पेयर्स, हाउ अबाउट थ्री, थ्री मैक्स, थ्री, थ्री से ऊपर मत भेजिएगा, उसमें दो इस्तेमाल आते रहेंगे एक बैकअप रहेगा। अब ये किस चीज का इंजेक्शन है, B12 न्यूरोकाइंड का, अब एक इंजेक्शन न्यूरोकाइंड का दिया गया है। अब स्काय शांत हो गया, ये कल तक मैं गारंटी कर सकता हूँ पट्टी हटा चुका होगा अपनी। अच्छा हाँ साहिल मैं कह रहा हूँ हमें इसको क्यू कैनल में ले जाना चाहिए था, हमारे पास एक्चुअली ना हाल ही में हमने एक नया टेबल मंगाया है और क्योंकि ये जगह ना कांस्टेंट ट्रांजिशन में रहती है, हम गोइंग फॉरवर्ड जो अपने आउट पेशेंट्स हैं और ये जो है हम नए एरिया में ले जाएंगे, अब एक्चुअली में उस एरिया में हम ने वो डॉग्स होल्ड किए हुए थे जो दिल्ली नहीं जा पा रहे थे, अब यहाँ हमारे डॉग्स सारे US कैनेडा ही अडॉप्ट होते हैं, लोकल अडॉप्शन तो होती नहीं, तो वहाँ पे हमारा ओवरफ्लो जो डॉग्स का है वहाँ पे था और अब वो लोग चले गए हैं दिल्ली, तो वो जगह अवेलेबल हो गई है, तो नेक्स्ट टाइम से होपफुली हम सीधा वहीं जाएंगे। सॉरी यू पीपल आर ग्रेट, यही तुम लोगों को बहुत कॉम्प्लीमेंट्स और दुआएं मिल रही हैं, थैंक्स सार्थक, यू आर अ ग्रेट ग्रेट हेल्प। अच्छा आप लोग जो हमारी हेल्प करना चाहते हैं ना, ये जो लाइव पे कमेंट्स आ रहे हैं इनके रिस्पॉन्ड दीजिए, मैं कितनी बार बताता हूँ, किसी को लोकल ग्रुप चाहिए peoplefarm.org/HHA, आपका कोई सवाल मैं नहीं जवाब दे रहा तो आप वहां लिखिए फ्रेंड्स ऑफ पीपल फार्म की सर्च करिए। ओके सॉरी यहाँ पे यूजुअली लाइट होती है, हमारा सोलर सिस्टम खराब हुआ हुआ है। This is dying. ओके अब ये इसका कैनल है, ये इसका अगले कुछ हफ्ते तक इसका यही घर रहेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग,
खत्म करने से पहले मैं आपसे दो तीन रिक्वेस्ट है जो कहूँगा। व्हाट डू यू नीड लाइट? ओके सॉरी, मैं एक सेकंड रोशनी में चलता हूँ ताकि आप मेरी शक्ल तो देख पाए। ओके तो दो तीन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई एक तो सॉरी मैं क्या कर रहा जी, एक तो लाइव में नीचे बटन आ रहा होगा कि नोटिफाई अस व्हेन पीपल फार्म गोज लाइव, वो दबा दीजिए। एक आप पीपल फार्म का जो फेसबुक का होम है वहाँ से अपने फ्रेंड्स को आमंत्रित करिए ताकि वो हमारे साथ जुड़ें। देखिए हम आपको ये कहानियाँ बता सकते हैं, इन्हें आगे आप ही पहुँचा सकते हैं, ठीक है प्लीज़। और तीसरा ये मैं आपको अपना यूट्यूब का लिंक दिखा रहा हूँ, सब्सक्राइब, बिकॉज यूट्यूब पे हमारे सिर्फ 20,000 लोग हमें देखते हैं, तो बड़ी निराशा सी होती है कि भाई नाचने का गाने कूदने वाला वीडियो तो बहुत बहुत चलता है और हम जब डालते हैं तो हमें वहाँ पे 2-3 हज़ार लोग देखते हैं सिर्फ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपने पूरे रेस्क्यू में हमारा साथ दिया, एंड थैंक्स अगेन फॉर यू नो बींग सच गुड फैंस एंड फॉलोअर्स। गुड नाइट।